फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इंडोर ऐसे 40 से भी ज़्यादा पौधे जिन्हें कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर के अंदर ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहां की ब्राइट लाइट बहुत अच्छे से आती हो। इनमें से फ्रेंड्स कुछ एक पौधे ऐसे भी होंगे जिनको छन के धूप चाहिए, ऐसी कंडीशन में भी रखना होगा, क्योंकि एक बात हमें ये अच्छी तरीके से जान लेनी है कि इंडोर प्लांट जो होते हैं वो कंप्लीट शेड में कभी भी ग्रो नहीं होते हैं। उन्हें कुछ में ब्राइट लाइट चाहिए होती है और कुछ प्लांट को थोड़ी सी हल्की फुल्की छन के धूप आए ऐसी कंडीशन में रखनी होती है, तभी वो प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है। और इन्हीं सभी प्लांट को हम इंडोर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती है या फिर हल्की फुल्की छन के एक आध घंटे की धूप आती है, तो ये सारे पौधे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पौधा अपने उस एरिया में लगा के वहाँ की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें कि हम बहुत ही आसानी से इनडोर ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में एक शॉर्ट वेराइटी आती है, एक टॉल वेराइटी आती है, तो दोनों ही प्लांट बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाता है इंडोर जहाँ की ब्राइट लाइट बहुत अच्छे से आती हो। अदरवाइज़ आप इसे ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ की आप इसे ट्यूबलाइट की रोशनी प्रोवाइड कर सके। ये प्लांट ब्राइट लाइट में रहने से बहुत ही जल्दी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है और इस तरह से आपके पास ढेरों प्लांट भी हो जाता है। तो स्नेक प्लांट आप बहुत ही आसानी से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स जिसे कि आप इंडोर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स सिंगोनियम। सिंगोनियम में एक बड़ी पत्ती वाला पौधा आता है और छोटी पत्ती वाला, तो आप सिंगोनियम की वैसे तो कोई भी वैरायटी ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और हार्डी भी है। मिनिमम से केयर में ये प्लांट बहुत ही इजीली आपके इंडोर सर्वाइव कर जाता है ऐसी जगह जहाँ के पूरे दिन की ब्राइट लाइट और थोड़ी बहुत छन की धूप आती हो। अगला जो प्लांट आप लगा सकते हैं अपने इंडोर वो है फ्रेंड्स रबर प्लांट। रबर प्लांट को ऐसी जगह आप ग्रो कर सकते हैं जहां के इसे कुछ एक घंटों की हल्की फुल्की छन के धूप आए और पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहे। बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है, महंगा थोड़ा आता है ये प्लांट, तो इसे आप कटिंग से ग्रो करके भी बहुत सारा बना सकते हैं। ये एक प्लांट मैंने आउटडोर रखा है और इसी की कटिंग से ग्रो करके एक प्लांट को मैंने इंडोर भी ग्रो किया है जो कि इंडोर भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। चौथे नंबर में जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स वो है ये खूबसूरत सा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसके जो इस तरह से जो फोलियज होते हैं ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और ये रनर्स जो निकलते हैं ये इस प्लांट को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो स्पाइडर प्लांट को आपको ऐसी कंडीशन में रखना है कि जहाँ इसे हल्की फुल्की छन के धूप आती रहे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है और पानी का इस प्लांट पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग होने से प्लांट ख़राब होने लगता है और अंडर वाटर होने से भी इसकी जो ये टिप है ये आप नोटिस करेंगे कि ये सूखने लगती है। तो पानी का थोड़ा इसमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है। पांचवें नंबर में फ्रेंड्स आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं सफलेरा। सफलेरा में दो वैरायटी आती है, प्लेन और ये इस तरह से वेरीगेटेड। दिखने में ये कुछ अम्ब्रेला की तरह दिखता है, इसीलिए इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है। इजी टू ग्रो है, हार्डी है, बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है। ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस प्लांट की कुछ है नहीं, तो ज़्यादा केयर नहीं होने की वजह से इस प्लांट को आप अपने ऐसी एरिया पर रख सकते हैं जहाँ के पूरे दिन की ब्राइट लाइट आती हो। तो आप सफलेरा को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट फ्रेंड्स आप अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स जेड प्लांट। जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे कि बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप इसे दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, इंडोर भी आउटडोर भी। अगर आपने इसे इंडोर लगा रखा है तो वीकली एक दिन आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ की इसे छन के थोड़ी देर की धूप मिले, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से इंडोर सर्वाइव कर जाता है। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं। इसका भी कंडीशन सेम है, वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है जीजी प्लांट।
जीजी प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसे आप कंप्लीट इंडोर रख सकते हैं। इस प्लांट को सिर्फ और सिर्फ ब्राइट लाइट की जरूरत होती है बस, और कोई भी रिक्वायरमेंट इस प्लांट की नहीं होती है। ये प्लांट बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, इसीलिए आप इसे घर के अंदर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धूप की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, बट पानी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसके नीचे होते हैं ट्यूबर्स जो कि अधिक पानी से खराब हो जाते हैं। अगला प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि है डिफेनबाकिया का प्लांट। डिफेनबाकिया यानी डंपकिन बहुत ही इजी टू ग्रो होता है ये इंडोर, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है इसकी, जो कि एक अलग सा लुक हमारे घर के अंदर में देता है। अगर आपके घर में पेट्स है और या फिर छोटे बच्चे हैं तो ये प्लांट थोड़ा पॉइजनस होता है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला जो प्लांट फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं वो है लकी बैम्बू। लकी बैम्बू गुड लक के हिसाब से हम सभी लगाते हैं, जो और पानी में और मिट्टी में दोनों जगह ये प्लांट बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाता है। अगर आपने पानी में लगा रखा है तो इसकी जो पानी है उसे वीकली आपको चेंज करना है, और अगर आपने मिट्टी में लगा रखा है तो इसे ऐसी जगह रखनी है जहाँ की इसे ब्राइट लाइट मिले, धूप की रिक्वायरमेंट ये प्लांट नहीं रखता है। अगला जो प्लांट आप लगा सकते हैं जो कि है ऑल फेवरेट मनी प्लांट, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है इंडोर। किसी भी जगह पे आप इसे रख के इसे ग्रो कर सकते हैं, शेडी एरिया में या फिर शेमी शेड में या फिर ब्राइट लाइट में, ऐसी कोई भी जगह पे आप मनी प्लांट को रख सकते हैं। बट इसकी जो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है वो होती है सेमी लाइट में, यानी ऐसी जगह जहाँ के पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहे बट थोड़ी बहुत इस पे छन के धूप पड़े, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। अगला जो प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स एलोवेरा। एलोवेरा को भी ग्रो करने के लिए धूप की जरूरत नहीं होती है, शेडी एरिया में जहाँ ब्राइट लाइट रहती है वहाँ ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। इस प्लांट की रिक्वायरमेंट भी वही है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मिट्टी सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग करनी है, क्योंकि इसके जो पत्तियाँ होती है उसमें काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर होता है, जिसकी वजह से अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो एलोवेरा का प्लांट खराब होने का डर रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम ग्रो कर सकते हैं किसी भी तरह का पाम का पौधा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक लेडी पाम, इसी तरह से आता है अरेका पाम, चाइना पाम, तो आप कोई भी पाम का पौधा इस टाइम इंडोर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। के पौधे को ज्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ब्राइट लाइट में और छन के धूप आती रहे थोड़ी बहुत, उतने में ही पाम का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव कर जाता है। घर में किसी भी कॉर्नर में अगर पाम का कोई भी पौधा लगा के रखते हैं तो वो घर के उस कॉर्नर की खूबसूरती को एक अलग ही लुक दे देता है। अगला जो प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं इंडोर वो है फ्रेंड्स कुलैंचू के पौधे। कुलैंचू का प्लांट जो है बहुत ही आसानी से इंडोर सर्वाइव कर जाता है, ब्राइट लाइट में इसे धूप की जरूरत नहीं होती है। कुलैंचू के जो प्लांट होते हैं इनमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के आते हैं, तो आप जब भी इन प्लांट को लगाएं आप इसे शेडी एरिया में लगा सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग विंटर सीजन में होती है, इसीलिए विंटर सीजन में आपको इसे थोड़ी बाहर ऐसी जगह रखनी होगी जहाँ थोड़ी बहुत इसे धूप मिले, जिससे कि ये अच्छी फ्लावरिंग कर सके। फ्लावरिंग होने के बाद आप इस प्लांट को कंप्लीट शेड में रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं फाइलोडेंड्रॉन। फाइलोडेंड्रॉन में ढेर सारी वैरायटी आती है, इसमें कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं, सारे की ही ग्रोइंग कंडीशन सेम होता है और सारे मॉस स्टिक के सहारे आप ग्रो कर सकते हैं। फाइलोडेंड्रॉन में कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि आप हैंगिंग बास्केट में लगा के ग्रो कर सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट। मदर ऑफ थाउजेंड जो होता है इसकी जो खासियत होती है उसकी पत्तियों के साइड कॉर्नर में ढेर सारे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। मेरा ये छोटा सा पौधा है, जैसे ही थोड़ा मिच्योर होता है वैसे इसमें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे पत्तियों के किनारों पे बनने लगता है, जिसकी वजह से इसे मदर ऑफ थाउजेंड के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट को भी धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी जगह आप इस प्लांट को रख सकते हैं जहाँ पे इस पे ब्राइट लाइट और छन के थोड़ी बहुत धूप पड़े। दिखने में ये प्लांट काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगला जो प्लांट है जिसे कि आप इंडोर कंप्लीट इंडोर ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स क्रोटोन। क्रोटोन एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत सारे कलर हमारे गार्डन में ऐड करता है, हमारे इंडोर एरिया में ऐड करता है, तो आप क्रोटोन में कोई भी पौधा लगा सकते हैं जो कि इंडोर ऐसी जगह काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है जहाँ के कुछ ही घंटों की धूप आती हो या फिर पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती हो, तो क्रोटोन का प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। नंबर 17 पे जो प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स वो है ड्रेसिना। ड्रेसिना में ढेर सारी वेराइटी आती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये है ग्रीन ड्रेसिना, यहाँ पे देख सकते हैं ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी ड्रेसिना की ही वेराइटी है। तो ड्रेसिना में कोई भी वैरायटी हो आप उसको लगा सकते हैं, जो कि शेड में बहुत ही आसानी से चल जाता है। थोड़ी सी ब्राइट लाइट में रखेंगे और कुछ एक घंटों की धूप छन के जो आती है हल्की फुल्की, उस तरह की कंडीशन में प्लांट को, ड्रेसिना के प्लांट को रखेंगे तो प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है।
इसके बाद फ्रेंड्स आप घर के अंदर ग्रो कर सकते हैं पीस लिली, जो कि काफी इजी कंडीशन में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। साल में लगभग 2 बार इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके फूल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और दिखने में काफी खूबसूरत भी होते हैं। तो पीस लिली को आप घर के अंदर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट होती हो और अच्छी एयरेशन वाला एरिया हो, तो पीस लिली का पौधा बहुत ही आसानी से घर के अंदर भी चल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं पेपरोमिया का प्लांट, जिसे बेबी रबर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से चल जाता है ऐसी कंडीशन में जहाँ की धूप बिल्कुल नहीं आती है। ये प्लांट ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है और बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। जब तक मिट्टी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तब तक इसमें वाटरिंग नहीं करना है। कटिंग के द्वारा भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता है और ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट इस प्लांट की नहीं है। फिर फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं एंथूरियम। एंथूरियम में भी बहुत ही खूबसूरत से फूल खिलते हैं जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और दिखने में भी काफी खूबसूरत होते हैं। एंथूरियम के प्लांट को भी फ्रेंड्स धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी जगह रखना होता है जहां ब्राइट लाइट रहे और अच्छी एरेशन हो, तो एंथूरियम के प्लांट भी बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। जो प्लांट आप लगा सकते हैं वो है फ्रेंड्स ऑक्सालिस। ऑक्सालिस का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है जिसे धूप की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है और इसमें हल्के गुलाबी कलर के खूबसूरत से फूल भी खिलते हैं जो कि प्लांट की खूबसूरती कई गुना बढ़ा देता है, जो कि एक अलग सा लुक हमारे गार्डन में ऐड करता है। फिर अगला जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ्रेंड्स फिडल लीफ या फिग लीफ प्लांट, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियों वाला ये पौधा होता है जो कि इंडोर ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं इंग्लिश आईवी। इंग्लिश आईवी एक हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है जो कि कलर वेरिएशन के कारण काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है। इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप इजीली कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। इस प्लांट को फ्रेंड्स थोड़ी सी ठंडक पसंद होती है, इसीलिए इसे आप टाइम टाइम पे फोलिएज स्प्रे करते रहेंगे तो ये प्लांट अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा। अगला जो प्लांट फ्रेंड्स आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स पैंडानस। पैंडानस एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट होता है जो कि दिखने में कुछ हद तक स्पाइडर प्लांट की तरह होता है। इसे आप अगर इंडोर ग्रो करते हैं तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है और आउटडोर भी बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है। फिर फ्रेंड्स आप हबर्थिया के प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं इंडोर। इसे भी ब्राइट लाइट चाहिए होती है, धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हल्की फुल्की छन के कहीं से धूप आए तो भी ये प्लांट अच्छी तरीके से चल जाता है। थोड़ा हार्डी होता है, पानी का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट इस प्लांट की बहुत कम है। जब तक मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए आप इन प्लांट में वाटरिंग ना करें। फिर फ्रेंड्स आप सेमी शेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं कोलियस। कोलियस को कंप्लीट धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेमी लाइट एरिया में अगर आप कोलियस के प्लांट को लगा रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरती ऐड करता है हमारे गार्डन में, काफ़ी सारे कलर ऐड करता है हमारे गार्डन में और इजीली बहुत ही आसानी से चल भी जाता है। तो आप बालकनी जैसे एरिया में जहाँ की धूप नहीं आती है कलर ऐड करना चाहते हैं तो कोलियस को आप जरूर लगाएं। अगला जो प्लांट फ्रेंड्स आप सेमी शेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं या फिर शेडी एरिया में ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स बैटल लीफ का प्लांट। आप देख सकते हैं बैटल लीफ का प्लांट कुछ हद तक मनी प्लांट की तरह दिखता है, यानी जिसे कि हम पान का पौधा कहते हैं। बहुत ही आसानी से ये इंडोर चल जाता है। इस प्लांट को धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसी जगह इसे रखना होता है जहाँ की पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहे, अच्छी एरेशन रहे। इस तरह की कंडीशन में ये प्लांट अच्छे तरीके से सर्वाइव करता है। फिर फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं फाइकस ट्रायंगुलारिस। फाइकस ट्रायंगुलारिस को भी आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे इसको एक आध घंटे की छन के धूप मिले या फिर पूरे दिन की ब्राइट लाइट मिले। ये प्लांट ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, इसमें रेगुलर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ हमें वाटरिंग करनी होती है, वो भी मिट्टी चेक करते हुए। ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। अगला जो प्लांट फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं वो है कैलेडियम। कैलेडियम के प्लांट को भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, मिनिमम सी सनलाइट और ब्राइट लाइट में कैलेडियम के प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं। अगर कहीं पे छन के धूप आती हो ऐसी कंडीशन में आप कैलेडियम के पौधे को लगा सकते हैं जो कि बल्ब के द्वारा लगता है और इसकी खूबसूरत पत्तियों से हमारा गार्डन काफ़ी खूबसूरत बनता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं फर्न। फर्न में ढेर सारी वैरायटी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, सबका कंडीशन सेम होता है और रूट के पास से ढेरों पौधे निकलते रहते हैं तो समय के साथ साथ ये पौधा काफ़ी घना और खूबसूरत हो जाता है। फर्न का कंडीशन यही होता है कि आप इसकी मिट्टी चेक करके इसमें वाटरिंग करिए और टाइम टाइम पे इस पर अच्छी सी फोलिएज स्प्रे करते रहिए तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं शेडी एरिया में रियो का पौधा। रियो का पौधा भी बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है ऐसी जगह जहाँ पे हल्की फुल्की धूप आती हो, ये पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहती हो। रियो में कई तरह के प्लांट आते हैं जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो आप कोई भी प्लांट को लगा सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आप शेडी एरिया में लगा सकते हैं लालसा का प्लांट। लालसा के प्लांट में एक खासियत यह है कि आप इसे कंप्लीट धूप में भी ग्रो कर सकते हैं और शेडी एरिया में भी। मैंने दोनों कंडीशन में ग्रो करके देखा है, दोनों में सही तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके कलर जो है उभर के आते हैं। अगला जो प्लांट आप अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं वो है फ्रेंड्स रीवन ग्रास। रीवन ग्रास भी बहुत ही इजी टू ग्रो और हार्डी प्लांट होता है। रूट के पास से ढेरों पौधे इसमें बनते रहते हैं और शेमी लाइट एरिया में बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसे आप पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से एक पौधा होता है जो कि है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को भी आप इंडोर ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे एक आध घंटे की धूप आए और पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहे। बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव करता है और इसमें भी रूट के पास से ढेरों पौधे बनते रहते हैं। ये एक हर्बल पौधा है जिसकी बहुत अच्छी सिंचाई बनती है। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है लियोपर्ड ईयर का प्लांट। लियोपर्ड प्लांट या फिर लियोपर्ड ईयर, इस तरह से इस प्लांट को जाना जाता है। काफ़ी खूबसूरत दिखता है और इसके जो पैटर्न आप देख सकते हैं ये अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसे भी ऐसी जगह रखनी होती है जहाँ पे पूरे दिन की ब्राइट लाइट होती हो, धूप की रिक्वायरमेंट ये प्लांट भी नहीं रखता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं अरेलिया का प्लांट। अरेलिया भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके कई तरह की वैरायटी आती हैं, सारे ही काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जिसको कि धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में आपको इस प्लांट को रखना होता है जहाँ कि इसे एक आध घंटे की छन के हल्की फुल्की धूप आती रहे और पूरे दिन की ब्राइट लाइट रहे, अच्छा एरेशन रहे। फिर फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं 37 नंबर में मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा के प्लांट को भी आप बिल्कुल मनी प्लांट की तरह ही लगा सकते हैं जो कि मॉस स्टिक के सहारे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसमें एक छोटी पत्ती वाला भी आता है जिसे कि आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। फिर फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं क्रिसमस ट्री। आप इंडोर ऐसी जगह प्लेस करके ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे एक आध घंटे की दो घंटे की धूप आती रहे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है और दिखने में काफ़ी खूबसूरती देता है। फिर अगला जो 39 नंबर में प्लांट आप लगा सकते हैं वो है फ्रेंड्स रेक्स बिगोनिया। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। इसमें भी काफ़ी सारी वेराइटी आती है, आप कोई भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी फ्रेंड्स आप कंप्लीट शेड में रख सकते हैं ऐसी जगह जहां की पूरे दिन की ब्राइट लाइट आती हो। इसके बाद फ्रेंड्स एक बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जिसे कि आप अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं वो है क्रोसेंड्रा। अगर आप जिस जगह इसे ग्रो कर रहे हैं वहां पे हल्की फुल्की धूप आती रहे 2-3 घंटे की तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है और इसमें फ्लावरिंग होती है। इंडोर ये प्लांट अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है लेकिन इसे फ्लावरिंग के लिए एक आध घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस प्लांट को भी, क्रोसेंड्रा के प्लांट को भी आप अपने इंडोर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जो कि है सकुलेंट वैरायटी में भी काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं। कुछ कैक्टस में भी ऐसी वैरायटी है जिन्हें कि आप इंडोर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।